गाजियाबाद के आंकड़े की बात करें तो गाजियाबाद में 625 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 392 मरीज कोरोना वायरस से जंग जीतकर अपने घर जा चुके हैं और बाकियों का इलाज जारी है। वहीं कोरोना को काबू करने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग भी कर रही है, वहीं बिना मास्क पहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी का कहर लगातार जारी है। बात अगर गाजियाबाद के आंकड़ों की करें तो गाजियाबाद में बीते दिन भी 19 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं, जिसको लगाकर अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो 625 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 392 मरीज कोरोना वायरस से जंग जीत कर जा चुके हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के DPS चौराहे पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार जो पुलिस है वो लगातार चेकिंग कर रही है, जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है उसी तरीके से जो कोरोना वायरस के संक्रमण में उन्होंने लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार पुलिस उन लोगों से अपील कर रही है जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं या जो लोग बाइक पर दो सवार होकर जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाइक पर दो सवार होकर जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो गाजियाबाद पुलिस है वो लगातार उनसे अपील भी कर रही है कि अपने घरों के अंदर रहें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें। सोनू खान के न्यूज़ इंडिया गाजियाबाद। और यहाँ बतक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द